हाय जय हिंद। मेरा ये मानना है कि जो दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता होता है वो है माँ और बेटे के बीच का, वो भी माँ के तरफ से बेटे के प्रति। उसके बाद जो सबसे पवित्र रिश्ता है वो है शिक्षक और शिष्य का। दोबारा से मैं बोलता हूँ, वो भी शिक्षक के तरफ से शिष्य के प्रति। आज किसी भी गुरु का, किसी भी शिक्षक का कोई शिष्य अगर डीएम, कलेक्टर, कुछ भी बन के आ जाए, ना भी बने, तो भी एक शिष्य को कभी उससे ना तो कोई अपेक्षा होगी, ना तो कोई ईर्ष्या होगी। और दूसरा, शिष्य अपने गुरु को प्यार करे ना करे, गुरु हमेशा उसकी गाथा अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में गाते रहेगा। मैं थोड़ा सा प्राइवेट स्कूलों की बात करता हूँ। बीच में आजकल बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तरह तरह का मजाक आता है। अभी एक मैसेज मैंने पढ़ा जिसमें लिखा था कि अब प्राइवेट स्कूल वाले फेस मास्क और सैनिटाइजर भी ब्रांडेड स्कूल के नाम का बेचेंगे। इतना छोटा क्यों कर रहे हैं आप लोग हमें? स्कूल के डायरेक्टर के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां, प्रिंसिपल के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां, टीचर के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां। टीचर बच्चे को मारते क्यों मारेंगे? अगर वो अपने बच्चे को मारते हैं, जितना रिस्क वो लेते हैं, अगर आपके बच्चे को वो डांटते हैं तो शायद वो आपके बच्चे को अपना मानते हैं, तभी वो डांटते हैं। शायद आपके बच्चे की कोई बातें, उसका गाली देना, उसका बदमाशी करना, उसके दूसरे बच्चे को टीज करना, उसका बुली करना, उसका कम पढ़ना, उसकी हैंडराइटिंग खराब होना, ये सब चीज़ें उसे इरिटेट करती हैं टीचर को। उसका टिफिन ढंग से नहीं खाना, उसका यूनिफॉर्म फटा होना, उसके नाखून बड़े होने, उसका बाल बड़ा होना, उसके बालों में ढील होना, 17 चीज़ें हैं जिससे टीचर इरिटेट होता है। वो अपने लिए इरिटेट नहीं होता है, वो तो चुपचाप आके आधा घंटा कुछ भी बोल के घर जा सकता है। लेकिन हर बच्चा उस 40 में से हर एक बच्चा, उसे ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना बच्चा है। इसकी एक भी आदत, अगर बच्चा नाखून काटता है, चबाता है दांत से, तो वो उसको इरिटेट करता है। उसको रोकने के लिए वो डांटता है, समझाता है, कभी थोड़ा सा एक पिटाई भी कर देता है। पता नहीं हम लोगों ने इसको इतना बड़ा हवा क्यों बना के रखा है। अभी आप बताएं, आज प्राइवेट स्कूल तन मन धन से अपना काम कर रहे हैं। कौन सा डायरेक्टर होगा इंडिया में जिसके स्कूल में सुबह सुबह अगर 7 बजे उसके ट्रांसपोर्ट मैनेजर का फोन आए और वो घबरा ना जाए कि कहीं बस में कुछ हो तो नहीं गया? कौन सा डायरेक्टर होगा वो चाहेगा कि उसके बच्चे गंदा पानी पी के बीमार पड़ जाएं? कौन सा डायरेक्टर होगा जो अगर उसके स्कूल का सालाना कारोबार करोड़ों में है तो वो टूटे हुए बेंच रखेगा? कौन सा डायरेक्टर होगा जो बसों का मेंटेनेंस नहीं कराएगा? सब भ्रांतियां हैं। मैं इतने डायरेक्टर्स को जानता हूं, हम लोग दिल से काम करते हैं, इतने प्रिंसिपल को जानता हूं, वो सुबह से लेकर रात सोने तक सिर्फ बच्चों का, टीचर्स का, डेवलपमेंट का ही सोचते हैं। और मैं जितने शिक्षकों को जानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, शिक्षक घर में सिर्फ बच्चों के डेवलपमेंट की बातें करते हैं। आज हम एक विभिन्न परिस्थिति में आ गए। स्कूल में जब तक हमें फीस नहीं मिलेगी, हम कोई सरकार तो है नहीं, आप हमें फीस देते हैं पेरेंट्स, और हम टीचर को, जनरेटर चलाते हैं हम, स्टाफ मेंटेनेंस करते हैं, बसें चलाते हैं, बिजली बिल आता है, फिक्स्ड रीडिंग आता ही आता है, मेंटेनेंस है, स्वीपर है, 10 तरह के लोग हैं, गार्डनर है, पेंटर है, आप पैसा नहीं देंगे? बड़ा अच्छा। एक जिले में आज की तारीख में 500 स्कूल हैं, जिसमें 50 स्कूल बड़े हैं, बाकी 450 स्कूल थोड़े छोटे छोटे हैं। एक स्कूल में 50 से 100 लोग काम करते हैं। एक जिले में नहीं तो नहीं, आप 100 × 500 कर लें, 50,000 लोग काम करते हैं मिनिमम स्कूलों से। उनको कहीं से कोई एक्स्ट्रा आमदनी नहीं हो रही है। पेरेंट फीस देते हैं, स्कूल के डायरेक्टर एक वाया मीडिया हैं, वो उनको तनख्वाह देते हैं और स्कूल का डेवलपमेंट करते हैं। कोई बोलता है उसके 4 स्कूल है, भैया उसकी 17 साल की जिंदगी तो स्कूल बनाते हैं बीत गई, उसका बेटा स्कूल लाइन में आना नहीं चाहता है। क्योंकि हम लोग बहुत गाली देते हैं ना पेरेंट्स लोग की, स्कूल वाले ऐसे हैं वैसे हैं, जबकि आप जो लोग, सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल से पढ़ के बड़े हुए हो। क्या गलत किया हमने आपके साथ? एक एक पीरियड से लेके, एक एक टीचर से लेके, टिफिन का टाइम कभी करना है, गर्मी में छुट्टी पहले करनी है, बाद में करनी है, बसों में पानी रखना है, हर चीज हम सोचते रहते हैं, गलतियां होती हैं हमसे।
तो आप आज फीस नहीं दे रहे, हम मांग भी नहीं रहे, बट दिक्कत यह है कि हमारे टीचर, हमारे स्टाफ ये कैसे सरवाइव करेंगे? ये बड़े गुमान से जीते थे, आज की तारीख में किसके सामने हाथ फैलाएंगे? भूखे नहीं मरेंगे ये लोग, लेकिन इनको ये कसक रहेगी कि हमने देश के लिए इतना किया, पता नहीं क्यों इनको हम देश के उन लोगों की श्रेणी में नहीं डालते हैं जो कि देश के लिए अपना सर्वस्व दे देते हैं, जैसे सैनिक हों, पुलिस हों, डॉक्टर्स हों, किसी भी कीमत पे हमें टीचर्स को, स्कूल को, प्रिंसिपल को, स्कूल के डायरेक्टर को हमको उस श्रेणी में डालना चाहिए जहां वो ये सोच के खुश हों कि लोग हमारी मेहनत का एक सही अंदाजा लगा रहे हैं। भैया हमको इधर सोना खाने तो नहीं बैठे हैं ना। आपको मैं बताऊं, आप स्कूल लाइन में आओ, आपके जिंदगी में एक ही पैशन रह जाएगा कि 10th क्लास में मेरे स्कूल से कितने टॉपर निकले। आप स्कूल लाइन में आओ, आप डायरेक्टर बन जाओ, आप प्रिंसिपल बन जाओ, आप टीचर बन जाओ, आप बस के ड्राइवर बन जाओ, आपके जिंदगी में एक ही पैशन रहेगा, 12th क्लास से डिस्ट्रिक्ट का टॉपर निकला कि नहीं निकला। आपका स्कूल थोड़ा पुराना होगा ना, आपका ये पैशन रहेगा कि मेरे कितने बच्चे IIT में गए। आपका स्कूल और पुराना होगा तो आपको ये पैशन रहेगा कि मेरे एल्यूमनाई कौन कौन हैं। आप यूनिफॉर्म बदलने से पहले भी 10 बार सोचते हैं स्कूल वाले कि प्रेशर कहीं पेरेंट पे ज्यादा ना पड़ जाए, वर्सेस क्या मेरे बच्चे और सुंदर दिखें, ये डिलेमा रहता है हमें। टिफिन का पीरियड भी हम सोच के डिसाइड करते हैं कि बच्चे घर से पता नहीं खा के आते हैं कि नहीं खा के आते हैं, तो टिफिन का पीरियड 10:30 बजे रखें कि 11 बजे रखें, छोटे बच्चों का 10 बजे रखें, बड़े बच्चों का 11:30 बजे रखें, बहुत सोचते हैं हम। हमें आप गुनाहगार मत बनाओ, आज की तारीख में जून तक स्कूल बंद है, 3 महीना और मान लो बंद हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैं नहीं जानता हूं, कोई नहीं जानता है। आप मुझे बताएं, मेरे ड्राइवर, मेरे खलासी, मेरे टीचर, मैं खुद, मेरे प्रिंसिपल, हम लोग किससे मांगने जाएं? हमारा कोई एसोसिएशन नहीं है, नाम एसोसिएशन बनाना चाहते हैं हम। वो लोग हैं जो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3-4 बजे तक लगातार काम करते हैं, संडे को भी काम करते हैं। कल्चरल इवेंट होता है, एक बच्चा अगर स्टेज पे जाता है तो उस बच्चे की जिंदगी सदा सदा के लिए बदल जाती है। उस एक बच्चे को स्टेज पे भेजने के लिए टीचर से लेके, डायरेक्टर से लेके, प्रिंसिपल से लेके सारे लोग इतनी मेहनत करते हैं। हमारी हर सोच बच्चे के डेवलपमेंट के लिए होती है, पता नहीं क्यों ये भ्रांतियां फैलती चली जा रही है। निगेटिविटी क्यों? आज तो कोरोना है तो लोगों को समझ में आया कि डॉक्टर्स क्या चीज होते हैं। वैसे ही मैं चाहूंगा कि आप ये भी रियलाइज करें कि टीचर्स भी क्या चीज होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी क्या चीज होते हैं, खुद के फंडिंग से स्कूल चलाना। और ऐसा मैं बताऊं, मक्खन नहीं है, ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के स्टूडेंट लाइन लगा के रखें, ये सिर्फ बड़े शहरों में होता है। छोटे शहरों में एडमिशन के लिए कॉम्पिटिशन है, आपको सर्वाइव भी करना है, आपको अच्छा भी करना है। टीचर्स को आपको सैलरी भी अच्छी देनी है, स्टाफ को सैलरी अच्छी देनी है, बसें आपकी अच्छी होनी चाहिए, पानी की सुविधा, खेलने की सुविधा, और हम खुश होते हैं सब करके, फीस क्यों नहीं देंगे आप? आप फीस नहीं देंगे तो बहुत सारे हजारों हजार लोग, आपका 1,000 रुपया और पूरे पूरे स्कूल फ्रेटर्निटी की पूरी लाइवलीहुड, तो लाइवलीहुड ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको इश्यू ना बनाएं। और हम प्रेशर भी नहीं कर रहे, मत दे फीस। आपकी भी कंडीशन आज की तारीख में बहुत सारे लोगों की कंडीशन अच्छी नहीं है, भविष्य का थोड़ा बहुत संशय लगा रहता है, लेकिन इसको इश्यू ना बनाएं। बट कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, स्टाफ, इन लोगों के बारे में हम लोग सोचें और एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ हम लोग इनकी इज्जत करें। और आज इनकी हालत बहुत अच्छी है नहीं, पिछला समय जो चल रहा था कोई भी कल की परवाह नहीं करता था, चाहे वो टीचर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, सबको लगता था कि कल तो अच्छा ही होएगा, आज से अच्छा होगा। लेकिन सडनली आज हम देख रहे हैं कि कल का कोई ठिकाना नहीं, सब कोई डरे हुए हैं, सेविंग किसी के पास है नहीं। मजदूरों को तो सरकार दे रही 1,000-1,000 रुपया BPL कार्ड पे, उनको खाने का, पीने का सब, गेहूं, राशन, चावल, टीचर्स का क्या होगा, स्टाफ का क्या होगा? प्लीज, प्राइवेट स्कूल वाले बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फॉर गॉड सेक हमें गलत ना समझे। धन्यवाद। अगर आपके आसपास कोई भी खबर, समस्या या परेशानी हो
तो आप हमसे शेयर करें, हम बनेंगे आपकी आवाज। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।